दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। दो चरण का मतदान हो चुका है और अगले चरण के मतदान की तैयारियों में तमाम दल जो हैं वो जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर बात करें बिहार के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से सीधे सीधे जो लड़ाई अभी दिखाई दे रही है वो है अली अशरफ फातमी, जो कि राजद के यानी कि इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद और उन्हीं को दोबारा से जो है बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है अशोक यादव को, इन दोनों के बीच में लड़ाई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच एक तीसरा मोर्चा जो है वो भी सामने आ गया है और वो है AIMIM पार्टी। आप तमाम लोग जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पूर्व में ये बात कही थी कि वो बिहार के 20 उनके पार्टी की तरफ से ये बात सामने आई थी कि बिहार के 20 लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। फिर कसमकस दिखाई दी, देखा गया कि अख्तरुल ईमान साहब के चुनाव में जो है वो तमाम लोग लगे हुए थे। उसके बाद फिर कुछ जगह से चुनाव ना लड़ने की बात सामने आई। फिर अचानक ये भी बात सामने आई कि हम मधुबनी झंझारपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिर दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे, और फिर इसमें फेरबदल होता रहा। और फिर एक बार आपको बता दें, दरभंगा से चुनाव लड़ने की बात थी लेकिन दरभंगा से अब ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM पार्टी के, आदिल हसन आज़ाद ने आज होटल क्लॉड 9 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि वो मधुबनी से चुनाव लड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ इस बीच ये भी देखा गया कि पिछले कुछ दिनों से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहने वाले, भवारा से ताल्लुक़ रखने वाले राशिद खलील अंसारी ने भी AIMIM पार्टी ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, वो चुनाव लड़ने की तैयारियों में थे और इस बीच उन्होंने आज आदिल हसन की मौजूदगी में AIMIM पार्टी ज्वाइन कर लिया है और उन्हें भी मधुबनी से एक प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ फैसला लेते हैं। इस बीच आपको बता दें कि आदिल हसन ने जमकर के राजद पर और बिहार की मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। देखिए कि उन्होंने क्या कुछ बातें कही। सीमांचल के बाद मिथिलांचल में AIMIM का आगमन हुआ है, क्या जो संभावित 9 लोकसभा सीटों का आप लोगों ने जो ऐलान किया है बिहार में, जो बचे हुए सीट है जहाँ चुनाव होना है, मधुबनी में आज उपस्थिति है आपके, किनको उम्मीदवार बना रहे हैं? देखिए, इसका उम्मीदवार का तो फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब का, अंसारी साहब का ज्वाइनिंग पार्टी में हम कराए हैं और एक दो लोग संभावित उम्मीदवार हैं जिसमें डॉक्टर साहब का भी नाम है, क्योंकि मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी और झंझारपुर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, खासकर नौजवानों की तरफ से प्रेशर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ से लड़वाइए, क्योंकि आपने देखा राजद और भाजपा में कोई फर्क नहीं है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। राजद सिर्फ बोलती है लेकिन अमली जामा पर कहीं नहीं है। लगभग 29 सीट पर सिर्फ 2 मुसलमान को दिया है। सन ऑफ मल्ला, जिनकी आबादी 2.9% है, उसको 3 टिकट आप दे रहे हैं। जो RSS और BJP के बैकग्राउंड है उसको आप BJP से टिकट दे रहे हैं, उसको आप मल्ला अपनी पार्टी से दे रहे हैं, सन ऑफ मल्ला उनको आप दिया है। गोपालगंज में भी वही हाल है, यानी जो BJP से रिश्ता रहेगा, जो RSS से रिश्ता रहेगा, उसको तेजस्वी यादव एडजस्ट करेंगे, और जो मुसलमान जान देता है, इनको चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचा दिया, इन लालू यादव परिवार को, लालू जी को, उनकी पत्नी को, राबड़ी जी को, दोनों तेजस्वी को, तेज प्रताप को, मीसा जी को उसके MP बना दिया, इनके दोनों मामा को, साधु जी, सुभाष जी को MP बना दिया, ये मुसलमान जान दे दे के वोट दिया, लेकिन आज मुसलमान इनके इंडेक्स से नहीं दिखता। आप तो A to Z बोलते हैं तेजस्वी यादव, तो A to Z में तो इनका नीलम देवी कहाँ चली गई, इनका प्रहलाद यादव कहाँ चला गया था ट्रस्ट वोट ऑफ ट्रस्ट में, इनका चेतन आनंद कहाँ चला गया था, बताइए। मुसलमान तो वफादारी से रखते हैं, उलीमान साहब ने तो इनका साथ दिया, स्पीकर चुनाव में साथ दिया, वोट ऑफ ट्रस्ट में साथ दिया, कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ आया नीतीश सरकार में, उसके खिलाफ साथ दिया जब भी RJD को जरूरत पड़ी। और खुद तेजस्वी यादव बोले थे, अख्तर भाई मेरा MLA उन्होंने तोड़ा था, मेरे पीठ में तेजस्वी यादव ने खंजर घोपा था, लालू जी ने 100 बार फोन किया था, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जब 2020 में हम 5 MLA जीत कर आए थे, यही मनोज झा फोन कर रहे थे और यही तेजस्वी यादव फोन कर रहे थे बैरिस्टर साहब को, अख्तर साहब को, और उस वक्त हम बहुत अच्छे थे, आज हम B team हो जाते हैं। मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में इनको बुखार छूटता है, सन ऑफ मल्ला की जगह है, सन ऑफ मांझी की जगह है, सन ऑफ कुशवाहा की है, सन ऑफ सीमांचल की जगह नहीं है, सन ऑफ मुसलमान की जगह नहीं है। फातमी जी, फातमी साहब को क्या बेइज्जत किया था लालू यादव ने, लालू परिवार ने, राजद ने, तभी ना फातमी साहब जदयू गए थे, फिर ऐसा टिकट के खातिर ईमान कोई बेच दे तो बात अलग है। पूछिए फातमी जी से, सिंगापुर गए थे तो उसका कितना चढ़ावा चढ़ाए थे जाकर सिंगापुर में उस मिलने का लालू यादव से, लालू जी एक बीमार आदमी को देखने के लिए जिस तो राजद परिवार चढ़ावा चढ़ाए, बतला दीजिए ना, ऊपर से नीचे तक एक भी फैसला में बिना लेन देन का नहीं होता है।
एक मुसलमान अशफाक करीम साहब उसको राज्यसभा देने में दिक्कत होता है। बिहार का कोई यादव को आप राज्यसभा देते, संजय यादव मुंशी मैनेजर को आप राज्यसभा दीजिएगा, कोई बिहार का यादव बिहार का मुसलमान नहीं दिखा। अरे शरद यादव जी के बेटा को दे देते, शरद जी ने आप पार्टी का विलय कर दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव उसी को देंगे जो इनका मुंशी मैनेजर जो इनके बदले में डील करे। मनोज झा बतलाए मैं मिथिलांचल की धरती में हूँ, बतलाए मनोज झा अपने बूथ पर कि कितना मनोज झा अपने बूथ पर महागठबंधन को वोट दिलाते हैं, बतलाए, चैलेंज कर रहा हूँ। मुसलमान जान दे के इनको वोट दे। चपरासी क्वार्टर की जिंदगी, तेजस्वी यादव पैदा चपरासी क्वार्टर में हुए थे, वो दिन अपना नहीं भूलिए। मुसलमान ना शहाबुद्दीन परिवार आज अकेले है, अनवारुल हक परिवार अकेले है, गफूर साहब मेसी का परिवार अकेले है, वहाँ पर तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार में भाई भाई को इसने लड़वा दिया। अब्दुल गफूर साहब गोपालगंज में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक चौक पुलिया का नाम नहीं उनके नाम से, और इनको हम वोट दे दे के हजारों करोड़ की संपत्ति बना दिए। क्या है भोला यादव में, MLC भी वही बनेंगे, MLA भी वही बनेंगे, संस्कृत बोर्ड का चेयरमैन भी बनेंगे। हम मुसलमान झालमुड़ी के लिए है, हाँ, क्या ललित यादव में हम बतलाइए जो आप बार बार छः छः बार से MLA बना रहे। अरे अब दरभंगा ग्रामीण का फैसला विधानसभा में भी होगा, देखते हैं कौन लड़ता है। आज का मुसलमान, आज का पिछड़ा अति पिछड़ा, हर जात को हिस्सेदारी चाहिए। अगर सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ कुशवाहा, सन ऑफ पासवान, सन ऑफ यादव, सन ऑफ कुर्मी को हिस्सेदारी चाहिए तो मुसलमानों को भी हिस्सेदारी चाहिए। और आज का मुसलमान हिस्सेदारी लेगा, और सीमांचल का भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सीमांचल के साथ पटना में बैठी हुई सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार ने धोखा दिया। नरेंद्र मोदी उधर झूठ की बंसी बजाते हैं, नीतीश कुमार उनकी चमचागिरी में, अगुवाई में मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, RSS मुक्त भारत बनाएंगे। मरना कबूल है नीतीश जी, अब कितना बार मरिएगा, अब आपकी जिंदा आपके आपके जिस्म सिर्फ बचा है, जो अंतरात्मा थी वो मर चुकी है, अब उसमें कुछ खोखला है, आप खोखला हैं। अब तेजस्वी यादव याद रखिए, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कीजिएगा, जिस तरीके से लाल कृष्ण अडवाणी PM इन वेटिंग रह गए, उसी तरह आप CM इन वेटिंग रहिएगा। डंके के चोट पे बोल रहा हूँ, लोकसभा भी इंशाल्लाह लड़ेंगे, पाटलिपुत्रा हो, जहानाबाद हो, काराकाट हो, शिवर हो, मधुबनी हो, जो बिहार का मुख्तलिफ जिला है, वाल्मीकि नगर हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, महाराजगंज हो, चुनाव लड़ेंगे। जिस दीपक यादव ने वाल्मीकि नगर में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगा, उसको आप टिकट दे रहे हैं। जो महाराजगंज में अखिलेश सिंह का बेटा, जो ओपनली CA NRC का सपोर्ट किया, CA का सिंह किया, उसको अखिलेश सिंह अपना बेटे को टिकट दे रहे हैं। और मुसलमानों के साथ जो तबलीगी जमात ने मुसलमानों को गाली दिया, आतंकवादी का मदरसों को गाली दिया, अजय निषाद को टिकट देते हैं, और मुसलमान को टिकट देने में नानी मरती है, बुखार छूटता है इनको, मुसलमान को हिस्सेदारी देने में क्या होता है तेजस्वी यादव को, लालू जी ने 2024 में जिस दिन किशनगंज में वोट हो रहा है, उस दिन लालू जी ने कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में पक्ष में वोटिंग की अपील की, सरासर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। लालू जी बताएं, जब अपनी जिंदगी की शुरुआत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 34 भाजपा के MLA के साथ सहारा से मुख्यमंत्री बने थे, और हमको BT बोलते हैं। UPA 1 UPA 2 में हम क्या थे, जब सोनिया जी और मनमोहन सिंह साहब के साथ, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते थे, तब हम किसकी टीम थे, जब न्यूक्लियर डील में हमने UPA सरकार की वकालत थी, तब हम क्या थे, जब राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी को हमने साथ दिया, तब हम क्या थे, जब आंध्रा में YSR की सरकार, रोसैया की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार जब हमने साथ दिया, तब हम क्या थे, इमरान प्रतापगढ़ी को हमने राज्यसभा भेजा, तब क्या थे, कांग्रेस वाले कांग्रेसियों बतलाओ, महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन हाई कोर्ट दे दिया, तुमने क्यों नहीं दिया। उद्धव ठाकरे जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अलग एलानिया विधानसभा में बोलता है उद्धव ठाकरे की, मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसके साथ तुम गठबंधन करते हो, तुम हम जिसने भी मुसलमानों को बेइज्जत किया, राहुल गांधी एक मुसलमान मुद्दे पे नहीं बोलते, जो अजय निषाद जो शुरू से जहर उगला, JP नड्डा से भी ज्यादा जहर उगला, उसके उस अजय निषाद को टिकट दिया। अजय निषाद ने मुसलमानों को, तबलीगी जमात जो सबसे मुकद्दस जमात हमारी है, जिसका एक अलग हिंदुस्तान में एक अलग अमन का पैगाम देता है, उसको आप आतंकवादी से जोड़े, उस पर राहुल गांधी चुप रहते हैं, उस पर कांग्रेस चुप रहती है, मॉब लिंचिंग पे चुप, तबरेज अंसारी पर चुप, पहलू खान पे चुप, जुनैद पे चुप, नसीर पे चुप, यही सीतामढ़ी में के मौलाना हाफिज साद को मार दिया गया। बतलाए तेजस्वी यादव, बतलाए नीतीश कुमार, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, क्यों नहीं गया। अरे भाजपा तो खुली दुश्मन है, मुसलमानों के साथ नफरत फैलाना, मुसलमानों को नीचा दिखाना, मुसलमानों को बेइज्जत करना, मुसलमानों को जलील करना भाजपा का यही USP है, इसी पर भाजपा हिंदू को इकट्ठा करती है। लेकिन भारत का हिंदू हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ा है, मुझे यकीन है ये जो मदारी है, इस मदारी का पोल खुलेगा, भाजपा का पोल खुलेगा, और इंशाल्लाह ताला जो भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो महात्मा गांधी का जो सपना है,
जो इस देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो रहेगा। तेजस्वी यादव से पूछिए, मुसलमानों बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया जल गया, 4500 से ऊपर कुरान शरीफ और मुकद्दस किताब जली। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट दिखा क्या? बताइए, संजय यादव लिख के नहीं देंगे तो तेजस्वी यादव ट्वीट नहीं पढ़ेंगे क्या? मनोज झा लिख के देंगे तो तेजस्वी नहीं बोलेंगे क्या? अरे तेजस्वी यादव यार, तुम तो मैट्रिक भी तो पास कर जाते, जिसका बाप माँ दोनों चीफ मिनिस्टर हो और मैट्रिक नहीं कर पा रहे, क्रिकेट में भी असफल। अरे वो तो अनुकंपा की बहाली है, पिताजी लालू जी है तो डिप्टी सीएम बने हो, नहीं तो वो भी नहीं बनते। अगर माइनस लालू जी तुम बतला तो एक वार्ड मेंबर जीत सकते हो। हाँ, एक मुसलमान इस लड़की इस नौजवान के साथ नहीं खड़ा रहता है, एक मुसलमान एमपी एमएलए इसके साथ नहीं खड़ा तक। और ये ऐसे से भाप फैला के मुसलमानों को बोलेगा हम हिफाजत करेंगे, मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा, मेरा मुकद्दर का फैसला मेरा अल्लाह करेगा। मुझे यकीन है कि मधुबनी की आवाम फातमी साहब अभी होटल में रह रहे हैं, याद रखिएगा। और जो अशोक यादव एक दिन भी हिंदू महल्ले में भी वो आदमी नहीं गया, पेट्रोल सस्ता नहीं दिया, नौकरी हिंदुओं को भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कि मुसलमानों को दिया। अशोक यादव भी आपके साथ चलेंगे और फातमी जी दरभंगा चले जाएंगे, मधुबनी के लोग याद रखिए, आप तरसिएगा जिस तरीके से अशोक यादव भाजपा के एमपी को देखने के लिए तरस गए। हुकुमदेव नारायण जी का बेटा है, उसके चलते सिर्फ वोट मिला, परिवारवाद भाजपा बतलाए ना, अमित शाह का बेटा कैसे बन गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, दूसरे आदमी पंकजा मुंडे क्या है, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, प्रमोद महाजन की बेटी क्या है, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह क्या है, भाजपा का परिवारवाद अलग होता है क्या? ये सब एक है, एक है, एक है। मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आम गरीब को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। आप पूछिए अशोक यादव जी से कि हिंदू महल्ले में उन्होंने क्या काम किया, मुसलमान महल्ले में तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन बतला हिंदू महल्ले में क्या किया। और आप पूछिए इस जो राजद के लोगों से, फातमी साहब से, जो आदमी अभी होटल में रह रहा है वो आपके चुनाव जीतने के बाद कहाँ रहेगा, दरभंगा रहेगा कि दिल्ली रहेगा कि कहाँ रहेगा, कोई नहीं रहेगा। मैं मधुबनी की आवाम से बोलना चाहता हूँ, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, एक नौजवान को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जितना 75 साल में आपके साथ नाइंसाफी हुई उसका हम बदला लेंगे। मिथिलांचल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में एक अलग दर्जा है। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, आईएएस आईपीएस लोग, और मिथिला के जो पेंटिंग है पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं मिथिलावासियों से अपील करता हूँ, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, एक बार हमें मौका दीजिए। 75 साल का मिथिला का जो इज्जत मिलना चाहिए उसका इज्जत भी दिलाएंगे, मिथिला को सम्मान भी दिलाएंगे और बिहार में नई क़यादत को मजबूती देंगे इंशाअल्लाह ताला। राशिद खलील अंसारी साहब, लंबे अरसे से आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे मधुबनी लोकसभा में, आज आप किस पार्टी को ज्वाइन किया और क्या मकसद है? मेरा नाम राशिद खलील है, मैं मधुबनी शहर के भवारा का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से मैं सोशल और पॉलिटिकल एक्टिव हूँ, हमारे पास एक बड़ी टीम है जिसको लेकर हम लोग मधुबनी आसपास में जो भी मसाइल होते हैं समाज को, उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ तक हो पाता है हम करते हैं। अभी एक महीना पहले हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और घोषणा किया, लगातार हम क्षेत्र में घूम रहे थे, तैयारी में थे, तभी MIM ने यह घोषणा किया कि मधुबनी से हम चुनाव लड़ेंगे। फिर हमने अपने तमाम साथियों से बातचीत की और ये फैसला लिया कि हम MIM ज्वाइन करेंगे, और अगर MIM ने हमें मौका दिया तो हम मधुबनी के खिदमत के लिए तैयार। सबसे बड़ा मसला यह है कि 5 साल तक लोग अपने प्रत्याशी को, अपने चुने हुए सांसद को और विधायक को तलाशते हैं कि कहाँ गया, कहाँ भागा, दिल्ली भागा, पटना भागा, कहाँ चला गया, बाहरी है, यहाँ का है, वहाँ का है, लोग कहते हैं विकास विकास चिल्लाते हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो दो पक्ष में लोग बढ़ जाते हैं, एक कहता है भाजपा हराओ, दूसरा कहता है भाजपा लाओ। सवाल यह है कि भाजपा के हरा देने से या भाजपा को ले आने से आपकी सड़कें नहीं बदल जाएगी। लोग कहते हैं मुसलमानों का आम रवैया होता है, हम ऊपर देख रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे पाँव के नीचे गड्ढा है वो कौन देखेगा, तुम्हारी नालियाँ दुरुस्त नहीं है मोहल्ले में वो कौन देखेगा, तुम्हारा कुछ हिफाजत में नहीं है वो कौन देखेगा। सवाल यह है कि जब काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे तो किसी को जिताने या हराने से क्या फ़ायदा होगा। अभी हम MIM ज्वाइन किए हैं, अपने तमाम साथियों के साथ पूरी मजबूती से मधुबनी समेत मिथिलांचल की इलाकाई सियासत, सूबाई सियासत और राष्ट्रीय सियासत में, कौमी सियासत में पूरी मजबूती के साथ हम अपनी हिस्सेदारी के लिए जद्दोजहद करेंगे, और इसके लिए जितनी मेहनत करनी होगी, जितना तगोदो करना होगा, जितनी बदनामी सहनी होगी, सब कुछ के लिए हम लोग तैयार हैं। और पूरी तरीके से मुझे लगता है कि मधुबनी जिस तलाश में थी, मधुबनी पीड़ित है, और मधुबनी इस चीज़ के लिए पीड़ित है कि भाजपा ने पिछले 15 साल में कोई काम नहीं किया। मधुबनी इस चीज़ के लिए पीड़ित है कि जहाँ जहाँ महागठबंधन के लोग विधायक चुने गए उन्होंने भी कोई काम नहीं
नहीं किया। मधुबनी इस चीज के लिए पीड़ित है कि राज्यसभा सांसद चुना गया, उन्होंने भी काम नहीं किया। तो जब किसी ने काम नहीं किया तो मधुबनी इस चीज के इंतजार में था कि कोई विकल्प हो, और हमने अभी हमारे जो नेता हैं आदिल हसन आजाद साहब, इन्होंने मधुबनी आकर एक विकल्प देने का काम किया है। अब तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि तीसरे विकल्प के साथ पूरी मजबूती और ताकत के साथ जुड़े और अपने विकास के लिए जुड़े और अपने उत्थान के लिए जुड़े। ये भी एक सवाल उठता है कि भाजपा लगातार बाहर के प्रत्याशी को मौका दे रही है और महागठबंधन भी पिछले 20 साल से बाहर के लोगों को मौका दे रही है। नतीजा ये हो रहा है कि आप इतिहास उठाकर देखिए, राजद को आज तक मधुबनी लोकसभा में कामयाबी नहीं मिली है, और सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि वो बाहर के प्रत्याशी को भेजते हैं। इसीलिए हम ये भी आंदोलन छेड़ रहे हैं कि बाहरी भगाइए और अपने लोगों को अपने बच्चों के साथ मिथिलांचल की धरती में मधुबनी का जो योगदान है इसको समझिए, और मधुबनी के राजनीतिक विरासत को, सियासी विरासत को बचाने के लिए अपने इस मधुबनी के छोड़े के साथ खड़े होइए और इसके साथ उठिए और इसके साथ आवाज लगाइए कि बाहरी को भगाना है और मधुबनी वाले को लाना है और मधुबनी को बचाना है। सर हमेशा तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से आदिल हसन ने खास करके तेजस्वी यादव राजद पार्टी पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि किस तरह से हिस्सेदारी जो है वो कम करने की कोशिश की गई। जो हिस्सेदारी बनती है मुसलमानों की वो हिस्सेदारी नहीं दी गई। राजद ने तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया, तरह तरह के आरोप लगाए गए। अब अगर बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से AIMIM पार्टी के चुनाव लड़ने की, क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, मौजूदा हालात के हिसाब से अगर आप मधुबनी के समीकरण को देखेंगे तो ऐसे में AIMIM पार्टी को डायरेक्ट सीधे तरीके से लोगों ने कबूल अभी नहीं किया है। यह अलग बात है कि चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है, AIMIM के जो चाहने वाले लोग हैं उनकी वो जो है खुश हैं इस फैसले से कि चलो AIMIM का भी एक कैंडिडेट सामने आने वाला है। जहां तक अगर देखा जाए, पूर्व में दरभंगा की बात हुई, दरभंगा से चुनाव नहीं लड़ा गया, अब मधुबनी से चुनाव लड़ने की जब बात सामने आ रही है तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एक बार फिर मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो कैंडिडेट का एक तरह से कह सकता है, एक जो खबरें सामने आ रही है कि राशिद खलील जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में क्या अंसारी वोट, खास करके पसमंदा समाज के जो वोट बैंक हैं, क्या उस पर AIMIM सेंधमारी करने जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, चूँकि अली अशरफ फातमी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, राजद के कैंडिडेट हैं, एक मुस्लिम कैंडिडेट है, इसके बावजूद चूँकि AIMIM जो है एक अपना कैंडिडेट उतारने वाली है, तो ऐसे में मुस्लिम वोट के बंटने की भी आशंकाएं जो है वो सामने आएगी, और इस वजह से AIMIM पार्टी के इस फैसले का विरोध भी हो सकता है। आगे देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अपनी पार्टी को यहां से चुनाव लड़वाते हैं या फिर एक बार फिर दरभंगा की तरह ये बात गलत साबित होगी और अंत में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया जाएगा। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या AIMIM पार्टी को मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहिए, अपनी राय कमेंट करें।